जनपद संबल में विकास विकलांग सेवा समिति के कैंप कार्यालय असमोली में अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष आस मोहम्मद एवं सभी दिव्यांग साथियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया और कहा कि सरकार को 5 साल पूरे होने के बाद भी दिव्यांगों को नहीं हुई कोई सहूलियत, क्योंकि इस महंगाई के दौर में दिव्यांग 500 रुपये में क्या कर सकता है। जो सरकार 500 रुपये पेंशन देती है, क्या दिव्यांग 1 महीने का खाना बना सकता है कोई 500 रुपये में? हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार दिव्यांगों के बारे में कड़ा कदम उठाए एवं उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें सुविधा मुहैया कराए। दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण होना चाहिए, दिव्यांगों को रोजगार में आरक्षण होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए, दिव्यांगों को मोटर ट्राई साइकिल मुफ्त में मिलनी चाहिए, दिव्यांगों को बिना ब्याज के लोन चाहिए, दिव्यांगों को आवास मिलना चाहिए। इसी को लेकर सरकार से मांग की मनाया, जिसमें अपनी कुछ मांगे रखी, जिसमें कि विकलांगों को, पढ़े लिखे विकलांगों को रोजगार देना चाहिए, सरकार को नौकरी देना चाहिए, जो 8% मतलब कह रखा है, 4% आरक्षण दे रखा है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से लागू नहीं कर रखा है। इसे आज दिनांक 3 दिसंबर 2021 को विकास विकलांग सेवा समिति के कैंप कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया गया। सभी दिव्यांग साथियों ने अपने अपने विचार रखे एवं सरकार से मांग की कि दिव्यांगों को ऐसी पेंशन की भीख नहीं चाहिए, दिव्यांगों को एक रोज़गार चाहिए और दिव्यांगों के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराए सरकार। सरकार वादे तो करती है बड़े बड़े, मगर एक भी वादे पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हम हमारी सरकार आती है तो दिव्यांगों की पेंशन हम 3000 रुपये करेंगे, मगर पूरे 5 साल बीतने के बाद भी दिव्यांगों की पेंशन 500 की 500 ही है। आप बताइएगा, क्या दिव्यांग 500 रुपये में पूरे महीने का खर्च कर सकता है? क्योंकि दिव्यांग का कोई 500 रुपये में खाना भी बना कर नहीं देने का, महीने का हिसाब लगा जाए तो। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि केंद्र में भी सरकार इनकी है और यूपी में भी इनकी है, अगर ये चाहें तो हमें एक सामान्य पेंशन कर सकते हैं। जो दिल्ली में पेंशन हमारी 5000 या 2500 रुपये है, तो दिव्यांगों को उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2500 रुपये पेंशन करनी चाहिए और दिव्यांगों को रोज़गार में आरक्षण होना चाहिए और जो पढ़े लिखे दिव्यांग हैं उनके लिए रोज़गार दे सरकार। हमारी सरकार से यही मांग है। हमने यूं ही आज मजबूरन काला दिवस मनाया, सरकार का विरोध किया,